वैक्सीनेशन में शुक्रवार को पिछले सभी रिकॉर्ड टूट गए। स्वास्थ्य कर्मियों के दूसरे डोज में जबरदस्त टीकाकरण हुआ है। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे समेत 2110 स्वास्थ्य कर्मियों और 429 छूटे हुए स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्करों को टीका लगाया गया। आपको बता दें, शुक्रवार को 2527 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीनेशन के दूसरे डोज का लक्ष्य रखा गया था। इसके लिए जिले भर में 33 बूथ बनाए गए थे। शुक्रवार की शाम तक बूथों पर टीकाकरण की कतार लगी रही। कुल 100.47% कोविड वैक्सीनेशन हुआ। स्वास्थ्य विभाग की माने तो यह अब तक के हुए टीकाकरण में यह सबसे ज्यादा सफल रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, साइड इफेक्ट में अगर आपको फीवर या उस जगह स्थान पे अगर दर्द होता है तो पैरासीटामॉल लेना होगा। और अभी आधा घंटा आपको ऑब्जर्वेशन रूम में वेट करना होगा। और आज टीका लगने के बाद भी मुंह पे मास्क लगा के रखना है और हाथ मतलब साबुन से धोते रहना और 2 गज की दूरी रहना। आज कोविड का हमें दूसरा टीका लगा है और हमें कोविशील्ड जो टीका है वो लगा हुआ है। पहला डोज मुझे 22 जनवरी को लगा हुआ था, तो 28 दिन बाद जो है हमें दूसरा डोज आज की तारीख में लगा है। पहला डोज लगने के बाद या दूसरा डोज लगने के बाद आपको किसी प्रकार की? नहीं, बिल्कुल 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 किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं हुई। पहले डोज में बिल्कुल मैं स्वस्थ था और अभी मुझे टीका लगाए हुए 10 मिनट हो गए और बिल्कुल मैं स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। मुझे कोई परेशानी नहीं है। सर, पहला जिसको डोज लगा है अगर वो सेकेंड डोज नहीं लगाता है तो क्या यह कारगर साबित होगा? नहीं, इस कुछ तो असर होता ही है, लेकिन फुल इम्यूनाइजेशन के लिए दोनों डोज की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक डोज लगने के बाद 28 दिन बाद एंटीबॉडी जो है थोड़ा कम होने लगती हैं, तो इसको दूसरा डोज लगा के बूस्ट कर दिया जाता है कि तो सस्टेंड एंटीबॉडी डेवलप रहती हैं जो कि इस बीमारी से लड़ने के लिए पर्याप्त होती हैं। सर, आज पूरे जिले में सर कितने अस्पतालों के और कितने बूथों पर वैक्सीनेशन हो रहा है? कितने लोगों को आज वैक्सीनेशन करने का वो लक्ष्य रखा गया? आज हम 33 जगहों पर वैक्सीनेशन हो रहा है, जिसमें 2426 लोगों का वैक्सीनेशन हो रहा है। सभी स्वास्थ्य कर्मी हैं जिन्होंने 22 जनवरी को टीका लगाया था, उन्हीं लोगों का सेकेंड डोज लग रहा है। और हर जगह से रिपोर्ट आ रही है, काफ़ी लोगों ने टीका लगवा लिया। इवन यहाँ भी हमने देखा है कि 61 लोगों की टीकाकरण का था जिसमें के 48 लोगों ने लगा लिया है। कुछ लोग जिला अस्पताल में ही लगा लिए हैं जो कि लगता है कि 100% लोगों ने लगा लिया है। सर, क्या कुछ जो पुलिसकर्मी भी छूटे थे सर या पहले के जो स्वास्थ्यकर्मी भी बाकी रह गए थे
उनको भी आज कहीं मौका दिया, उनको ऑप्शन दिया गया था कि जो छूटे हुए थे वो भी आकर अगर पोर्टल में उनकी एंट्री है तो आकर टीका लगवा लें। कुछ जगहों पर लोग आए हैं और टीका लगवाए हैं। आज के अब तक के टीकाकरण में कहीं से कोई सूचना प्राप्त हुई जो? नहीं नहीं बिल्कुल सुरक्षित रहा है, कहीं से किसी भी तरह की कोई ऐसी घटना नहीं सामने आई है और सब लोग स्वस्थ हैं। और टीकाकरण 5 बजे तक चलेगा, अब मैक्सिमम हो गया है और सभी लोग स्वस्थ हैं। कोई कहीं किसी तरह की कोई भी रिएक्शन की कोई न्यूज़ सामने नहीं आई। सर अगला डोज कब मापा ग्राउंड कोई चलना है इसके बाद? अब मापअप राउंड जो है स्वास्थ्य विभाग के लिए तो 25 तारीख को चलेगा और फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए 22 तारीख को लगेगा टीका।